नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 4। दोस्तों 3 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर लिए, उनकी कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख रखे हैं। प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज हम देखेंगे इम्यूनो ब्लोटिंग टेक्निक। 3 टेक्निक है दोस्तों इसमें, हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे एलिसा, और सेकेंड है इसमें साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, और थर्ड है रिस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इम्यूनो ब्लोटिंग टेक्निक। ब्लोटिंग इज ए पावरफुल एंड सेंसिटिव टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल विथ इन ए सैंपल। मतलब ये एक पावरफुल टेक्निक है और सेंसिटिव टेक्निक है। किस में यूज होती है ये? मतलब किसी भी सैंपल में कोई बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। द फर्स्ट ऑफ दीज टेक्निक डेवलप वॉज द साउथर्न ब्लॉट। मतलब ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था। नेम फॉर डॉक्टर एडविन साउथर्न, इनका ये नाम था। वो डेवलप इट टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन 1975। तो दोस्तों फर्स्ट है इसमें एलिसा, इसके बारे में देखते हैं। एलिसा क्या होता है? द एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट असे, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इज ए कॉमनली यूज एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री असे, ए मोर रैपिड मेथड देन रिस्टन ब्लोट। मतलब रिस्टन ब्लोट है, उससे रैपिड मेथड होता है ये इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक में। एनालिसिस टू डिटेक्ट ए स्पेसिफिक प्रोटीन इन ए सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी फ्लूइड। मतलब मेनली टिश्यू, प्रोटीन और ऑर्गन में यूज किया जाता है एलिसा को। इट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट असे, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट असे एलिसा। ये रिस्टन ब्लोट टेक्निक से ज़्यादा वर्क करती है, रैपिड मेथड्स होता है। नोट में क्या दे रखा है? डिस्क्राइब बाय एंग्वेल एंड प्रेंगलेन यूनिवर्सिटी इन स्वीडन इन 1922। साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था एलिसा के बारे में। यूनिवर्सिटी थी स्वीडन में। प्रिंसिपल क्या है एलिसा का? एलिसा आर टिपिकली परफॉर्म इन 96 वेल पोलिस्टीन प्लेट। मतलब 96 प्लेट यूज की जाती है पोलिस्टीरिन की, जिसमें एलिसा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। द सीरम इज इनक्यूबेटेड इन ए वेल एंड ईच वेल कंटेन ए डिफरेंट सीरम। मतलब इनक्यूबेट किया जाता है सीरम को। ए पॉजिटिव कंट्रोल सीरम एंड नेगेटिव कंट्रोल सीरम वुड बी इंक्लूड अमंग द 96 सैंपल। मतलब कुछ में पॉजिटिव होता है, कुछ में नेगेटिव होता है। एंटीबॉडीज और एंटीजन प्रेजेंट इन सीरम आर कैप्चर्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड ऑन द सॉलिड सरफेस। मतलब इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं सीरम में, उनको कैप्चर किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड ऑन द सरफेस। मतलब ये कोटेड कर लिए जाते हैं सरफेस पे एंटीबॉडीज। टाइप कितने हैं एलिसा के? 3 टाइप की है हमारी एलिसा टेक्निक, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कम्पिटिटिव एलिसा। इनडायरेक्ट एलिसा के बारे में शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्ट और क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड बाय इनडायरेक्ट। मतलब इसमें एंटीबॉडी डिटरमाइंड की जाती है इनडायरेक्ट में। इन दिस टेक्निक एंटीजन इज कोटेड ऑन द माइक्रोलीटर वेल। मतलब इस सरफेस पे एंटीजन कोटेड होता है और आइडेंटिफाई की जाती है एंटीबॉडी। सेकंड देखते हैं सैंडविच एलिसा में क्या होता है। एंटीजन कैन बी डिटेक्ट, वहाँ एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रही थी, यहाँ पर एंटीजन डिटेक्ट होगा बाय सैंडविच एलिसा। इन दिस टेक्निक एंटीबॉडी इज कोटेड ऑन माइक्रोलिस्टर वेल। थर्ड है इसमें कंपिटिटिव एलिसा।
एम्पिटेटिव एलिसा में क्या है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ एन एंटीजन इन ए सैंपल। ये भी एंटीजन के लिए यूज होता है, सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है एलिसा। इन दिस टेस्ट एंटीबॉडीज फर्स्ट इनक्यूबेटेड इन सोल्यूशन विथ ए सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडीज। एप्लीकेशन देखते हैं एलिसा के, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन सैंपल कैन बी इवेल्युएट, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन को इवेल्युएट कर लिया जाता है सैंपल से। डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एंटीबॉडी कंसेंट्रेशन इन वायरस टेस्ट, मतलब सीरम में कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसकी कंसेंट्रेशन को पता किया जा सकता है एलिसा के द्वारा। यूज इन फूड इंडस्ट्री वैन डिटेक्टिंग पोटेंशियल फूड एलर्जेंस, मतलब फूड्स में जो फूड इंडस्ट्री होती है उनमें फूड जो फूड्स बनता है उसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है एलर्जेंस को। इसके अलावा अप्लाई इन डिजीज आउटब्रेक ट्रैकिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब ट्रैक किया जाता है स्प्रेड कितना स्प्रेड हो रहा है डिजीज, जैसे HIV हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड्स, कोलेरा, STD। STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अप्लाइड एज सेरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट फॉर कोली डिजीज। दोस्तों अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताना, आपका सॉल्यूशन हम कर देंगे। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, वहाँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगा, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, आपका डाउट हो वहाँ आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। लास्ट यूज है एलिसा का, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम एंटीबॉडी इन ट्यूबरकुलोसिस रोटोवायरस इन फिकस, हेपेटाइट बी मार्कर इन सीरम, हेपेटाइट सी मार्कर इन सीरम, एंटेरोटॉक्सिन ऑफ इकोलाई इन फिकस। अब देखेंगे दोस्तों अपन साउथर्न ब्लॉटिंग, सेकंड टेक्निक है हमारी इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक्स की, थर्ड है रिस्टर्न ब्लॉटिंग। प्रिंसिपल देखते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का। साउथर्न ब्लॉटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RFL रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। इट वॉज डेवलप बाय एडवर्ड एम साउथर्न, ये साइंटिस्ट थे, 1975 में इन्होंने डिस्कवर डेवलप किया था साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को। साउथर्न ब्लॉटिंग इज ए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ पार्टिकुलर साइज ऑफ DNA फॉर्म देयर मिक्सचर ऑफ अदर सिमिलर मोलिक्यूल। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट, मतलब ये DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए वर्क करता है, मेनली बेस्ड होता है फाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है इसमें, आइडेंटिफाइड बाय लेबल प्रूफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स में डिस्कस करते हैं थोड़ा शॉर्ट में। रेस्ट्रिक्शन डाइग्रेशन ये फर्स्ट स्टेप है, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एम्पलीफिकेशन बाय PCR। PCR क्या होता है दोस्तों, इसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, PCR की फुल फॉर्म है पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस SDS सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीनेचुरेशन ट्रीटिंग विथ HCl एंड NaOH, ब्लॉटिंग बेकिंग एंड ब्लॉकिंग विथ केसिन इन BSE, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल प्रोब्स, विजुअलाइजेशन बाय ऑटो रेडियोग्राम। ये स्टेप्स हो गए। इसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के। साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज इन डिटेक्ट ऑफ DNA इन ए गिवन सैंपल, मतलब मेनली हमारी एलिसा यूज हो रही थी एंटीबॉडी और एंटीजन के डिटेक्शन में, और यह यूज हो रहा है हमारे DNA के डिटेक्शन में। DNA फिंगर प्रिंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउथर्न ब्लॉटिंग, DNA फिंगर प्रिंट है इसका एग्जाम्पल है। यूज फॉर पेटेंटी टेस्ट, मतलब किसी भी स्पीसीज का पेशेंट, मतलब पेट उसका, मतलब टुगेदर किसका टुगेदर है, कौन उसका पेशेंट है, पेरेंट है। टेस्टिंग क्रिमिनल के आइडेंटिफिकेशन में, विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन में। यूज इन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यूज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कॉज बाय जेनेटिक डिफेक्ट। लास्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। रिस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मिक्सचर होता है उसमें पार्टिकुलर कोई प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है।
इन दिस मेथड लेबल एंटीबॉडी अगेंस्ट पार्टिकुलर प्रोटीन इन द यूज टू आइडेंटिफाई द डिजायर्ड प्रोटीन, सो इट इज़ ए स्पेसिफिक टेस्ट। मेनली प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। मेन पॉइंट देखो आप दोस्तों, उसे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में अपन देखा था एंटीजन एंटीबॉडी, सेकंड में देखा था डीएनए फ्रैगमेंट्स, और थर्ड में हो गया प्रोटीन। विस्टन इज आल्सो नोन एज इम्यूनोब्लॉटिंग बिकॉज इट इज़ यूज एज एंटीबॉडी टू डिटेक्ट द प्रोटीन, मतलब इसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। स्टेप कौन कौन सी हैं इसमें? फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, सेकंड है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग ब्लॉकिंग, ट्रीटमेंट विथ प्राइमरी एंटीबॉडीज, ट्रीटमेंट विथ सेकेंडरी एंटीबॉडीज, ट्रीटमेंट विथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। एप्लीकेशन क्या क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के दोस्तों? ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए गए हैं। आप ज़्यादा डीपली नहीं जाए इसमें, क्योंकि इतना अपना सिलेबस में नहीं दे रखा है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो आपके लिए काफ़ी है। टू डिटरमाइन द साइज एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ए गिवन सैंपल, टू डिटरमाइन द साइज एंड अमाउंट ऑफ, मतलब सैंपल में कितना साइज और अमाउंट प्रेजेंट है प्रोटीन का, उसको डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है। डिजीज के डायग्नोसिस में डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया इन सीरम, मतलब कैसे पता लगेगा डिजीज़ का? जैसे कोरोना वायरस है, अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो गया तो उसमें अगर होके ठीक हो गया और उसमें चेक करेंगे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम में ही है, तो यानी कि एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, चाहे कम बनाए पर एंटीबॉडीज़ ज़रूर बनाएगा कोरोना के अगेंस्ट में। तो अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट हुई तो आप समझ लेना कि कोरोना हो चुका है। तो ऐसे आइडेंटिफाई की जाती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। इट डिटेक्ट एंटी एचआईवी एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम, यूजफुल टू डिटेक्ट डिफेक्टिव प्रोटीन फ्रॉम प्रियोन डिजीज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।